अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नजम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कियानी बर्ड्स। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि जो नया बर्ड लवर होता है, जो बिगनर होते हैं, वो अगर एक पैर बजीफ का लेके आए तो वो ब्रीड करेगा कि नहीं करेगा। तो दोस्तों, एक पैर बजीज के लाने के वजह से आप परेशान मत हों कि ब्रीड नहीं करेगा। दोस्तों, ब्रीड वो कर देगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले जाएगा। अक्सर हम दोस्त यही कहते हैं कि नहीं करेंगे, ये करेंगे, 80% चांस हैं, 70% चांस हैं। तो दोस्तों, वो भी अपनी जगह ठीक है, क्यों दोस्तों कि इनका यही मसला होता है कि एक पैर आप ले कर आते हैं तो वो आपके घर में एडजस्ट होने में बहुत सारा टाइम ले जाता है, तो उसकी वजह से ब्रीड लेट करता है। अगर आप मेल और फीमेल जो है वो कंफर्म लेके आए और आपको पता है कि ये ब्रीडर पेयर है आपका, तो फिर भी वो जो है सिंगल पेयर आपने रखा हुआ है तो सिंगल पेयर वक्त बहुत ज़्यादा ले जाता है। हो सकता है 6 महीने आप रखी रखें, हालांकि आप ब्रीडर पेयर लेके आए हैं, तो फिर भी आपके पास ब्रीड उसकी ना आए। तो अगर ज़्यादा पेयर रखेंगे तो फिर आपके पास जो है एक दूसरे को ये देख के ब्रीड जल्दी करते हैं। तो बाकी यही है कि इनके रखने का भी मसला होता है। अगर आपने कोई और मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं तो फिर वहाँ पे आप एक पेयर का भी ये केज रख देते हैं तो वहाँ पे ये जल्दी ब्रीड कर जाएगा। तो ब्रीड ये लाजमी करेंगे क्योंकि मेल फीमेल हैं, तो इंशाल्लाह इन्होंने ब्रीड तो करनी करनी है। लेकिन मसला बस यही होता है कि जो नया लवर होता है बर्ड का, वो यही कहता है कि मैं पेयर लेके आया हूँ तो मुझे 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, हफ्ते में ब्रीड मिल जाए। तो दोस्तों, बर्ड को कुछ टाइम लगता है वो आपके घर में और उस माहौल में एडजस्ट होने के लिए। तो दूसरा ये है कि वो होता भी सिंगल पेयर है, तो एक पेयर होता है तो उसकी वजह से वो बैठे रहते हैं स्टिक पे, तो ब्रीड की तरफ नहीं आते हैं। तो अगर आपके पास 2 या 4 पेयर होंगे, आप गारंटी है उस बात की कि आप बर्ड लेके आए हैं, 2-4 पेयर लेके आए हैं तो आपने रखे हुए हैं, तो वो जल्दी ब्रीड कर जाएंगे। और जो सिंगल पेयर वाला हिसाब है, वो आप अगर एक बर्ड लेके आए हैं, आपके घर में और कोई परिंदा नहीं है, तो शायद ये भी हो सकता है कि आपका पूरा सीज़न ही चला जाए, तो 6 महीने साल इसी तरह गुजर ही जाएँ, तो फिर जाके ये आपके उस माहौल में एडजस्ट होके तो फिर शायद ब्रीड कर जाएं। वो भी 70% और 80% चांस हैं इनके। तो बेहतर यही है कि आप जब भी कोशिश यही करें, आपका अगर बजट है तो आपकी जेब अगर इजाज़त देती है तो कम से कम 2 से 3 पेयर लेके आएं, तो उनको गठा रखें, तो इंशाल्लाह आपके पास 1.5 महीने में ब्रीड आ जाएगी। तो बाकी इन्होंने ब्रीड तो करनी ही होती है, बेशक टाइम ज़्यादा ले जाएं। तो आज की मेरी वीडियो दोस्तों यही थी कि आप ये बताना था कि सिंगल पेयर का आप लेके आते हैं तो वो ब्रीड करता है कि नहीं। ब्रीड तो लाजमी करते हैं, लेकिन ये है कि आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ले जाएंगे, तो फिर जाके ब्रीड करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि दूसरी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर अपनी किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।